हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इटर्निटी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th मैथ का चैप्टर 7 मींस इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं इंटीग्रल्स आया कैसे। तो हम लोग जैसे डिफरेंशिएशन अगर आप लोग पढ़ चुके होंगे तो आप लोग को पता होगा कि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रल्स। मीन्स जो हम लोग डिफरेंशिएशन बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रल्स में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल से। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल्स का डेफिनेशन से। तो इंटीग्रल्स का क्या डेफिनेशन है? इंटीग्रल्स इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल्स इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ओके। तो इंटीग्रल्स क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी नो दैट हम लोग जानते हैं जैसे कि डिफरेंशिएशन को कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं d/dx। ओके, डिफरेंशिएशन को हम लोग डिनोट करते हैं d/dx। और किसका डिफरेंशिएशन करना है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लाइक साइन x का डिफरेंशिएशन करना है तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे साइन x। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन का क्या वैल्यू आएगा ये हम लिखते हैं यहाँ पर। तो ये d/dx साइन x का डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है cos x। ये कैसे आएगा और कैसे आया इसको हम लोग डिफरेंशिएशन के चैप्टर में सही से जानेंगे। ओके, जस्ट लाइक d/dx एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d/dx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ये जो पावर है ये पहले आ जाएगा, इट मींस 2 पहले आ जाएगा और x का पावर 1 कम हो जाएगा। यानी इसका पावर 2 है तो इसका पावर 1 कम हो जाएगा, मींस 1 आ जाएगा। 1 का पावर का कोई मतलब नहीं होता है, यानी 2x इसका डिफरेंशिएशन होगा। ओके, एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको अच्छे से। d/dx e का पावर x, e का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x ही, यानी जो भी e का पावर x है उसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इन सारे एग्जांपल से हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेट करते हैं। तो पहला एग्जांपल को हम लोग लेते हैं और समझते हैं इससे हम लोग इंटीग्रेशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखे हैं d/dx sin x, जिसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब जो ये dx है इसको हम उस साइड ले जाएंगे, मींस यहां पर क्या बचेगा, d ब्रैकेट के अंदर sin x और इक्वल टू के बाद क्या है cos x है, cos x। और जो dx है वो नीचे है डिवाइड में, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मल्टीप्लाई dx। मल्टीप्लाई साइन दे भी सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस तरफ हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये जो है इंटीग्रेशन का साइन है। जैसे डिफरेंशिएशन का साइन हम लिखे हैं d/dx, उसी तरह से इंटीग्रेशन का साइन होता है वो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन हम लोग को यहां देना है, मीन्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये इसका इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर दिए और इसके अंदर लिखे cos x और ये dx। ओके, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन जैसे ही हम लोग दिए तो यहाँ का जो d है यानी डिफरेंशिएशन वो हट जाएगा, मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x। यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दिए तो यहाँ से डिफरेंशिएशन का साइन क्या हुआ, हट गया। मींस इसका मतलब क्या है कि cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। cos x dx का इंटीग्रेशन sin x, इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x with respect to किसके x के रिस्पेक्ट में यानी dx equal to होता है sin x। तो ये कैसे निकला आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 को, इसी प्रोसेस से हम लोग उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल 2 क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर d/dx ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखे थे 2x। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मेथड को इसमें लागू करेंगे। तो कैसे इसका इंटीग्रेशन का मेथड में आएगा, इसको भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा करते हैं। तो ये जो dx है उसको उस साइड ले जाएंगे, मीन्स यहां बचेगा d ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल टू
2x और ये जो dx यहाँ पर डिवाइड में गया है उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में dx, ओके। अब क्या करते हैं, इस साइड हम लोग इंटीग्रेशन का साइन देते हैं जिससे यहाँ का डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन 2x एंड dx, ठीक है। अब इसको कुछ प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, मीन्स इसको पहले हम लोग लिख दिए है उसके बाद इक्वल टू x स्क्वायर, ओके। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx इक्वल टू x स्क्वायर, बट यहाँ पर एक और चीज होगा, प्लस में c होगा, प्लस में c, c का मतलब अभी बस ये जानिए कि c का मतलब यहाँ पर है कांस्टेंट, और वो कैसे आएगा वो हम लोग थोड़े आगे जानेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल थ्री को भी इस मेथड से उसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो एग्जाम्पल थ्री में हमारा क्या क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x, मीन्स d बाय डी एक्स ई का पावर x, e को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या था, e का पावर x ही था, मीन्स e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए जस्ट इसके पीछे वाला मेथड से इसको निकालते हैं, मीन्स ये d बाय डी एक्स उस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा d ब्रैकेट के अंदर e का पावर x इक्वल टू e का पावर x, और ये d जो डिवाइड में है dx उसको उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। अब क्या करते हैं, उस साइड हम लोग इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, तो यहाँ से ये डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा, मींस क्या बचेगा, e का पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x क्या होगा, इक्वल टू यहाँ dx छूट गया, इक्वल टू क्या होगा e का पावर x, और प्लस में c भी होगा, ओके। c मतलब यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये e का पावर x का इंटीग्रेशन होगा, ओके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ जैसे हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f x dx, ठीक है, क्या लिखे हम लोग, इंटीग्रेशन का साइन भी है, f कुछ भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, लाइक x स्क्वायर sin x cos x कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन लाइक साइन एक्स कोस एक्स या फिर एक्स स्क्वायर, और डीएक्स क्या है, डीएक्स का मतलब है किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इसका मतलब पूरा होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये जो लाइन हम लोग लिखे इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,